अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने एक फॉर्म बना लिया था अबाउट पेज के अंदर, और अब हमारा सिंपल सा काम ये रह गया था कि हमने अपने फॉर्म का जो डेटा है यूज़र से, उसे हमने मैसेज लेना है। यहाँ पे उसका नाम मैसेज लेना है, और हम चाहते हैं कि वो जैसे ही पोस्ट करे तो हमारी जो ये वॉल है यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन अगर डेटा डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें पहले उसको कहीं पर स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करवाने के लिए जो है वो हमें डेटाबेस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पेज ओपन हो गया, तो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमें उसको डिस्प्ले करवाना है अवर वॉल के नीचे। ठीक है, यहाँ से डेटा लेना है और अवर वॉल के नीचे जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। अब हमें जो है कोई ना कोई डेटाबेस चाहिए होगी। हमारे पास वर्सल की बनी बनाई डेटाबेस है। ठीक है, वर्सल जो है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं, वही हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय करें और अपनी डेटाबेस को जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के साथ कनेक्ट करें। सो अगर हमें डिप्लॉय करना है अपना प्रोजेक्ट वर्सल के ऊपर, तो पहले आपके पास जो है वो वर्सल का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जो है वो वर्सल को ग्लोबली अपने इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। उसके लिए आपके पास कमांड है npm install -g @wrsl, और अगर कोई और कमांड होगी वो आपको जो है वो npm पे मिल जाएगी। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे अपने प्रोजेक्ट को लिंक करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली वर्सल जो है वो एंटर करूँगा और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर वर्सल के ऊपर जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, सो वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या आपने जो है वो अपने प्रोजेक्ट को का ये जो पाथ है इसी को डिप्लॉय करना है। हाँ जी भाई, इसी को करना है। ओके, आपने किस स्कोप में डिप्लॉय करना है? बिल्कुल इसी स्कोप में करना है, किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से लिंक नहीं करना। मेरे प्रोजेक्ट का नाम ही सुपरनोवा है, इसी डायरेक्टरी में लोकेट करता है। और कोई एडिशनल सेटिंग्स का भी पूछे तो बस सिंपली इट्स जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और सारा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो प्रोजेक्ट है उसको अपलोड कर देगा वर्सल के ऊपर। सो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली वर्सल पे डिप्लॉय हो गया। थोड़ी देर में जो है वो वर्सल रिफ्रेश हो जाएगा, तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया, ये रहा हमारा जो है वर्सल, सुपरनोवा का प्रोजेक्ट है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो एक यहाँ पे स्टोरेज आएगी, एक इस प्रोजेक्ट के अंदर की स्टोरेज आएगी। जैसे ही आप इधर प्रोजेक्ट से पहले यहाँ पे स्टोरेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट डेटाबेस की जो है वो ऑप्शन आएगी। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने पोस्टग्रेस की सर्वरलेस सीक्वल जो है वो डेटाबेस, उसको जो है वो हम यूज़ करेंगे। इस पर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरी लिमिट रीच हो चुकी है, तो इस वजह से मैं एक से ज़्यादा जो है वो डेटाबेस नहीं बना सकता। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि आपने जो है वो अपनी डेटाबेस का नाम क्या रखना है, वो आपने सेट कर लेना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने सर्वर कौन सा रखना है। सर्वर आपने वो रखना है जो आपको सबसे ज़्यादा करीब पड़ता हो। ठीक है, सिंगापुर का सर्वर या अमेरिका का सर्वर। मेरा जो है वो सिंगापुर का करीब पड़ता है, तो सिंगापुर का जो है वो सर्वर सेलेक्ट किया। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है, मुझे सिर्फ इसको अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं वापस आऊँगा ओवरव्यू में, और मेरा प्रोजेक्ट कहाँ चला गया? ओके, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, पता नहीं कहाँ गायब कर दिया था उसने। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो स्टोरेज की ऑप्शन आ रही है। आपके पास यहाँ पे स्टोरेज में जाने से पहले एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे आपके पास दो डोमेन्स आ रही हैं, एक आपके पास डिप्लॉयमेंट की डोमेन है। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी टेस्टिंग वगैरह है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपकी प्रोडक्शन की डोमेन है, यानी जब आपका कोड जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा तो आपको प्रोडक्शन में जो URL मिलेगा वो ये होगा। आप इसको जो है वो सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे स्टोरेज में जाते हैं, जाके देखते हैं। हमें यहाँ पे जो है वो डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपने इस स्टोर के साथ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कनेक्ट टू अ डेटाबेस की, सिंपली हमने इसको कनेक्ट करना है एंड दैट्स इट। हमारी जो डेटाबेस है वो प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो गई है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इस डेटाबेस के अंदर एक्चुअली मेरे पास पहले से कुछ डाटा जो है वो टेस्ट डाटा पड़ा हुआ है। ट्राई कर रहा था कि कैसे जो है ये काम करती है। यहाँ पे जो है वो हम क्यूरी कर सकते हैं अगर आपको SQL आती है, सो वेल एंड गुड। यहाँ पे ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम जो है वो मेरे पास यूजर्स रखा हुआ है मैंने। सिंपली ड्रॉप टेबल रैन क्यूरी सक्सेसफुली। यही काम जो है वो हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है कि हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, टेबल के अंदर जो है वो यूज़र्स का डेटा इंसर्ट करना है और फिर सिंपली अपने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा देना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने सिंपली गेटिंग स्टार्टेड में जाना है। यहाँ पे कनेक्ट हुआ प्रोजेक्ट करने के बाद जो कि वर्सल लिंक है वो आपने चलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली कमांड जो है वो रन करनी है। npm install @wrsl postgres रन करेंगे, और फिर आपने अगर क्यूरी करनी है तो इस तरीके से करनी है।
ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो है वो सीक्वल को ऐसे चलाना है, लेकिन अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो वो कहते हैं कि ये रिकमेंडेड वे नहीं है। ठीक है, सो हम वर्चुअल लिंक कर लेते हैं सबसे पहले कॉपी, ठीक है, और एक तरफ मेरा सर्वर चल रहा है, दूसरी तरफ मेरे पास एक और CMD ओपन है, इसको वर्चुअल को लिंक करेंगे। पूछेगा लिंक किसको करना है भाई, हाँ भाई इधर ही करना है, जी भाई बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास डॉट वर्चुअल की जो है उसने एक फाइल बना दी है, और अब हमने जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पुल कर लेना है, इसको कॉपी करेंगे और .env.development.local करने के बजाय इसको सिंपली .env पे कन्वर्ट कर देंगे। .env फाइल के अंदर हम बेसिकली वो सारी चीज़ें रखते हैं जो कि हमें जो है वो क्लाइंट से हाइड करनी होती है, और हम चाहते होते हैं कि कोई और जो है उसके पास इसकी एक्सेस ना हो, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट उसको यूज़ करता रहे। ठीक है, यानी बेसिकली हम API कीज जो है वो हम वहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर जो है अगर मैं .env के अंदर दिखाऊँ तो ये जो है हमारे पास वर्सल पोस्टग्रेस यहाँ पे हमारे पास बन चुका है। ठीक है, वापस आते हैं, हमें जो है वो बेसिकली फॉर्म से आगे काम करना था, सॉरी ये रहा, इसके अंदर जो है मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं। वो जो एक फंक्शन था हैंडल पोस्ट का, उसको मैंने रिमूव कर दिया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें फॉर्म के टैग की ज़रूरत है। और इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं मेन सी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो ये है ID और नेम, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन चेंज, यानी जैसे ही कोई भी चेंजिंग हो तो क्या करो, मैं बताता हूँ क्या करो। तुमने क्या करना है, ई सेट नेम ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू। बेसिकली जो काम हम पहले एक फंक्शन को कॉल करके कर रहे थे और वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे थे आईडी या नेम की वजह से, अब वो काम हम डायरेक्टली कर रहे हैं कि जैसे ही चेंज हो तो तुमने क्या करना है कि नेम के वेरिएबल के अंदर बेसिकली तुमने वैल्यू सेट करवा देनी है वो जो यूज़र एंटर कर रहा है। ठीक है, सेम काम जो है वो हमने क्या करना है, हमने मैसेज वाले के साथ भी करना है यही काम, यू मैसेज सिंपल पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सेट नेम को चेंज कर देंगे सेट मैसेज, और हमारे पास डाटा जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, यहाँ पे हम रखेंगे बटन को हट जा टाइप की हमें इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे, वैल्यू पोस्ट को रिमूव कर देते हैं और ये आ गया हमारे पास बटन। ठीक है, बटन के अंदर आ गया पोस्ट, यहाँ पे हम करेंगे ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक करें तो क्या करो, एक फंक्शन को कॉल करो जिसका नाम है हैंडल पोस्ट, और हैंडल पोस्ट को दो चीज़ें भेजो, एक नेम और दूसरा मैसेज। ठीक है, वो कहेगा भाई हैंडल पोस्ट है किधर, मैं बताता हूँ तुम्हें हैंडल पोस्ट किधर है। एक नई फाइल बनाते हैं हैंडल पोस्ट के नाम से, हैंडल पोस्ट और TSX, यहाँ पर याद रखिएगा कि इस फंक्शन का जो नाम है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो XML का सिंटैक्स है, XML थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन देती है आपको कि आपने जो है वो जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना है। ओके, सो हम दो चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, पहला है नेम, इसकी टाइप मैं एनी रख देता हूँ, और इसी तरीके से दूसरा है मैसेज, जिसकी टाइप भी मैं एनी रख देता हूँ, और बीच में जो है वो हमने API कॉल करनी है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ API पोस्ट मेथड कॉल। ठीक है, API के पोस्ट मेथड को हमने यहाँ पे कॉल करना है, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट हैंडल पोस्ट, ओके हैंडल पोस्ट, और इसको सेव कर लेते हैं, पीछे से सर्वर बंद कर देते हैं वरना ये बेचारा रिफ्रेश हो गया ही पागल हो जाएगा। ओके, gcard.tsx में आते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, सबसे ऊपर इम्पोर्ट हैंडल पोस्ट, ओके हैंडल पोस्ट इम्पोर्ट किया, एरर गायब हो गया। अब हम आगे जाते हैं हैंडल पोस्ट के अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, हैंडल पोस्ट के अंदर हमने एक पोस्ट मेथड की जो है वो कॉल करनी है। सो पोस्ट मेथड की कॉल के लिए हम यहाँ पे लेंगे कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स अवेट, फैच का मेथड यूज़ करेंगे, फैच के मेथड के अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे $process.environment.node environment। नोड इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट होता है और एक प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट होता है, और सॉरी तीन है, टेस्ट का भी होता है। सो मैं कहता हूँ कि अगर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का है, यानी अगर यूज़र अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट मैं अगर डेवलपमेंट कर रहा हूँ अभी, तो URL कौन सा होना चाहिए। ठीक
ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं, सॉरी अंदर ही डालना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पाथ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, अगर डेवलपमेंट है तो फिर ये जो लोकल होस्ट 3000 पे जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ये वाला पाथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 ये हमारे पास जो है वो पाथ में आएगा, और यहाँ पे आपके पास अगर लोकल होस्ट 3000 पे नहीं है तो फिर कौन से पाथ पे चलेगा ये भी हमें इसको बताना पड़ेगा। सो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे देना पड़ेगा ये वाला पाथ जो हमें वर्सल दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट में जाके दिखाऊँ, ये वाला जो पाथ है बेसिकली सुपरनोवा 8.versal.app, इसको कॉपी करेंगे और ये वाला पाथ हमने बेसिकली इसको दिखाना है। यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं, सो सिंगल कोट्स, और इसके आगे हमने क्या करना है, /API और पोस्ट मेथड है। तो मैं एक सेपरेट फोल्डर बना दूंगा API के अंदर पोस्ट का, जहाँ से जो हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। और काफ़ी लंबी क्यूरी हो गई है फैच के अंदर, अवेट। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई अवेट तुमने यूज़ तो किया है, एसिंक्रोनस तो तुमने डाला ही नहीं। सो यहाँ पे एसिंक अवेट, ठीक है, हम इसको क्लाइंट साइड पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी क्लाइंट साइड के अंदर एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। सो हमने ये काम कर दिया, फैच की रिक्वेस्ट दे दी, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ही कॉमा डालना है और इसको बताना है कि मेथड कौन सा है। मेथड है हमारे पास पोस्ट का, और बॉडी के अंदर हमारे पास आएगा json.stringify, ठीक है, json.stringify। इसको दो चीज़ें पास करेंगे, नेम जो कि हमारे पास ऊपर से आ रहा है, मैसेज वो भी वही है जो हमारे पास ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम जब भी जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो हम उसको चेक कर लेंगे इंस्टेड, क्योंकि रिस्पॉन्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो कॉन्स्टेंट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ओके। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ डेटा, ताकि जैसे ही डेटा आए तो हमें पता चल जाए कि डेटा में क्या आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाना है, API के नाम से एक फोल्डर बना देना है, API के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाना है पोस्ट का, पोस्ट के अंदर हमने एक फाइल बनानी है, कन्वेंशनल नेम है root.ts, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है नेक्स्ट रिक्वेस्ट और नेक्स्ट रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट वो चीज़ है जो क्लाइंट सर्वर को करता है, और उसके रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स आता है वो उसे सर्वर रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट रिस्पॉन्स कह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है हमारे पास डेटाबेस, बेसिकली जिसे हमने क्यूरी करनी है, इम्पोर्ट DB फ्रॉम वर्सल पोस्टग्रेस, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, ओहो फंक्शन पोस्ट, पोस्ट का मेथड है हमारे पास रिक्वेस्ट जिसकी टाइप है हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने करना क्या, वो हमें बता रहा है कि आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन आपके पास बॉडी में आएगा, ठीक है। इस बॉडी को चेंज करके मैं RSP जो है वो रख देता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो कॉन्स्टेंट क्लाइंट इक्वल्स टू अवेट db.connect, यानी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए भाई थोड़ा सा इंतज़ार करो, ओके। सो लेट्स से क्या आपके पास यूज़र का डाटा आ तो गया, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट नेम में आपके पास डाटा आ गया, रिक्वेस्ट डॉट मैसेज के अंदर आपके पास डाटा आ गया। अगर आपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है तो आपको उसको कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी, वो आईडी यूनिक होगी, ठीक है। सो उसके लिए आपने क्या करना है कि हम जो है वो UUID यूज़ करेंगे, NPM का एक पैकेज है जो हमेशा यूनिक आईडीज़ को जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे UUID NPM, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे उसे हमारे पास नीचे जो है वो यूज़ करने का मेथड भी बताया हुआ है कि आपने इसको कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे यूज़ करना है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट v4 UUID एज UUID v4, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने चेक करना है कि अगर जो है अगर रिस्पॉन्स डॉट नेम, अगर रिस्पॉन्स में नेम आ रहा है, ठीक है,
तो फिर ही जो है हम आगे मूव करेंगे। तो फिर तुमने क्या करना है? हाँ बिल्कुल, वो बता रहा है कि क्या करना है। आपने यूजू आई डी v4 के फंक्शन को कॉल करना है और एक आई डी जो है वो ले लेनी है। और इसमें हमने क्या करना है, हमने कुकीज़ को सेट करवाना है। कुकीज़ का इसमें काम है हमारे पास, इन फ्यूचर हम जब कार्ड फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो फिर उसमें भी काम आएगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि कुकीज़ जो है वो कहाँ पे यूज़ होंगी और उनको कैसे यूज़ करना है। सो इम्पोर्ट कर लेते हैं हम कुकीज़ को फ्रॉम आई थिंक नेक्स्ट हेडर के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमें कुकीज़ का जो है बेसिकली पूरा पाथ देना पड़ता है, वो मैं पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो ये जो है वो हमारे पास कुकीज़ का पाथ है जहाँ से हमारे पास कुकीज़ आ रही है। सो हमने क्या करना है कि हमने जो है वो कुकीज़ को सेट करना है। सो उसके लिए हम लेंगे एक वेरिएबल कुकी इज़ इक्वल्स टू कुकीज़ कुकीज़, और हमने क्या करना है कुकी को सेट कर देना है कुकी डॉट सेट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आईडी कॉमा आईडी, वो जो ऊपर से आ रही है। अब हमें क्या करना है कि हमें डेटाबेस के अंदर एक टेबल सबसे पहले क्रिएट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अवेट क्लाइंट डॉट सीक्वल। ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है, वर्सल वाले रिकमेंड करते हैं कि आप ORM का यूज़ करें। ORM बेसिकली कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल। ये बेसिकली एक ट्रांसलेटर की तरह है जो प्रोग्रामर और डेटाबेस के दरमियान बैठ जाता है, और प्रोग्रामर जो क्यूरीज लिखता जाता है वो उसको SQL क्यूरीज के अंदर कन्वर्ट करता है और SQL के अंदर सारे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है। और अगर आपने डाटा गेट करना है तो भी जो है वो ORM ही ये सारे काम करता है। सो ORM में हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो ड्रिजल की एग्जांपल है, जो कि हम आगे यूज़ भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो है वो हम सिंपल SQL से काम चला रहे हैं। सो SQL में टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, लाइक अगर गलती से ये क्यूरी दोबारा भी चल जाती है तो वो दोबारा टेबल क्रिएट करके हमारे पास एरर शो ना करे, बल्कि वो इस क्यूरी को रन ही ना करे। ये इसकी कुल की बिल्ट इन क्यूरी है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। टेबल का नाम है यूज़र्स, और टेबल के अंदर होगा क्या क्या ये भी बताना है उसको। और टेबल के अंदर पहले हमारे पास आईडी आएगी जिसकी टाइप जो है वो वेरिएबल करेक्टर है, वेरिएबल करेक्टर लेट इट बी 255। उसके बाद हमारे पास नेम आ जाता है, नेम की भी टाइप हम वेरिएबल करेक्टर देंगे, लेट इट बी 50। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाता है, मैसेज की भी टाइप हम वेरिएबल करेक्टर देंगे 255। ओके, सो टेबल क्रिएट हो गया। अगला काम हमें क्या करना है कि हमें जो है वो सबसे पहले आप अगला काम हमने क्या करना है कि हमने डाटा इंसर्ट करना है। डाटा आ तो गया हमारे पास रिस्पांस के अंदर, अब हमें जो है वो इंसर्ट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो करेंगे अरे वाह, ये तो क्यूरी इसने पूरी की पूरी हमें लिख के दे दी है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स वैल्यूज़। और ये थोड़ा सा गलत कर दिया इसने, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूज़र वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर हमने वैल्यूज़ कैसे एंटर करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। वैल्यूज़ को मैं नीचे ले आता हूँ, एंड आई थिंक एक मिसिंग हो गया बैकटिक। ओके, सो वैल्यूज़, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डॉलर। हाँ ओके, सो डॉलर में सबसे पहले हमारे पास आईडी आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स डॉट नेम, यानी यूज़र का नाम। याद रहे कि सीक्वेंस जो है उसका सेम रखना है, क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे जाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करेगा। डॉलर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, और यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया। और जैसे ही डाटा इंसर्ट हो जाए तो क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या कहता है, एक रिजल्ट को जो है वो रिटर्न करवा दे, वो जो हमारे पास ऊपर आ रहा था। स्टेटस हम यहाँ पे ऐड करेंगे 200 का स्टेटस। लेट्स से कि यहाँ पे जो है वो हमें नेम नहीं मिलता, सो हम कह देते हैं कि एरर जो है वो रिटर्न कर दे, या स्टेटस 404 रिटर्न कर दे, कोई और ऐसे जो है वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट अगेन जेसन, जेसन फॉर्मेट में। अब अगर आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर मैसेज रिटर्न करवाना है तो यहाँ पे आएगा मैसेज, मैसेज की, और यहाँ पे आपने कर देना कि नेम नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाहर एक और कर्ली ब्रेसेस, स्टेटस जो 404 का 303 का जो जो स्टेटस है वो जो है वो आपने भेज देना। ठीक है,
सो ये हमारे पास बेसिकली एक पोस्ट रिक्वेस्ट जो बन गई है, इसको मैं यहाँ पे कंसोल लॉग भी करवा देता हूँ कि रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है। अगर रिजल्ट रिटर्न तो वैसे कुछ कर नहीं रहा तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, जो आना है वो इधर ही आना है हैंडल पोस्ट के अंदर, कंसोल लॉग डेटा के अंदर आएगा जो आएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी खूबसूरती कर दी है। अब हमें बेसिकली फेच रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करनी है बेसिकली उस फंक्शन को, चेक कर लें कि वो फंक्शन सही से बना हुआ भी है जी कार्ड के अंदर या नहीं। ओके, सो जैसे ही ऑन क्लिक हो हैंडल पोस्ट नेम मैसेज भेज दो उसको, ठीक है ये सही है, और बाकी वैल्यूज़ भी जो है वो उसने सही से सेट की हुई हैं, सेट नेम सेट मैसेज सही है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो चला के देखते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो npm रन डेव। ओके, सो ये लोड हो गया है बेसिकली, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमारे पास उसने लोड कर दिए। यहाँ पे हम कोड में वापस आते हैं अपने पास और रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, सो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये जो हमारे पास वार्निंग आ रही है इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें ये देखना है कि हमारा फॉर्म सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं अपना डेटा एंटर करता हूँ, ऑथर एंड टेस्ट मैसेज। ठीक है, टेस्ट मैसेज। अब हमें देखना है कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो सही से जा रही है या नहीं जा रही। तो आपने सबसे पहले F12 इंस्पेक्ट कर लेना है। इंस्पेक्ट को आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ एप्लीकेशन के अंदर जो भी कुकीज़ होंगे वो स्टोर होते हुए आपको दिखेंगे। दूसरी चीज़ है कि नेटवर्क के ऊपर जितनी भी API रिक्वेस्ट वगैरह जा रही हैं वो आपको जो है वो नेटवर्क के अंदर जाके दिख जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क के अंदर फैच एक्सेट्रा। मैं जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा पोस्ट की, तो ये देखें पोस्ट की जो है वो रिक्वेस्ट चली गई है और पेंडिंग है, पेंडिंग पेंडिंग, स्टेटस उसका पेंडिंग आ रहा है अभी। और 200 के रिस्पॉन्स के साथ उसने हमें रिटर्न कर दिया, यानी हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। और एक एरर भी आ गया, 500 का एरर आया है, चेक करते हैं क्या आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट, वो देख लेते हैं वो क्या है। बट हमारे पास जो है वो डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए था, ये हमारा मेन पर्पस था। स्टोरेज में जाते हैं, जाके देखते हैं शॉपिंग स्टोर यूजर्स, यूजर्स का टेबल क्रिएट हो गया लेकिन उसके अंदर कोई भी आईडी नेम या मैसेज नहीं आया। आई थिंक यहाँ पे जो है ना, अगर हम एप्लीकेशन के अंदर जाएं तो हमारे पास कोई कुकी भी जो है वो सेट नहीं हुआ। लेट्स सी कि क्या इशू आ रहा है। ओके, सही समझ आ गई। यहाँ पे बेसिकली उसने क्लाइंट डॉट क्यूरी यूज़ किया, जबकि हम बेसिकली पहले जो है वो यूज़ कर रहे थे क्लाइंट डॉट सीक्वल। सो हमें क्लाइंट डॉट सीक्वल को ही यूज़ करना है और इसके जो ब्रैकेट्स हैं इनको जो है वो हमने रिमूव कर देना है। लेट्स सिंपल। अभी भी कोई एरर आ रहा है, इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज। ओ सॉरी, मैंने इसका ब्रैकेट रिमूव कर दिया, इसका जो है ब्रैकेट रिमूव करना था। ठीक है, ओके, सो लेट्स चेक कि अब जो है मुझे उम्मीद है कि इसको सही काम करेगा ये, और इसको करना भी चाहिए। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से डेटा एंटर करता हूँ, फिर टेस्ट मैसेज। ओके, सो लेट्स पोस्ट इट अगेन। ओके, सो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो नेम में आईडी आ गई है और वैल्यू में जो है वो हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर हो गई। अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जाके दिखाऊंगा तो यहाँ पे जो है वो 200 का रिस्पांस जो है वो हमारे पास रिटर्न हो रहा है, यानी ओके रिस्पांस, दैट्स गुड। अगर मैं दोबारा यूज़र्स की डेटाबेस में क्यूरी करूँगा तो ये मेरे पास डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। अगर आप यहाँ पे क्यूरी करें सेलेक्ट स्टेरिक, यहाँ पे भी कर सकते हैं बाय द वे यूज़र्स, सो रन क्यूरी, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास आईडी नेम और टेस्ट मैसेज हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपनी वॉल के ऊपर जो है वो डेटा को डिस्प्ले करवाना गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जो है आवर वॉल ओपन है, यहाँ पे जो है वो डेटा डिस्प्ले करवाना है। सिंपल सा काम है, सर्वर पहले बंद कर दो वरना इस बेचारे को दौरा पड़ता रहता है। ओके, सो आप चाहें तो root.ts के ये जो पोस्ट मेथड है इसके अंदर ये एक नया फंक्शन बना लें, गेट का मेथड कॉल कर लें, या फिर आप जो है वो एक न्यू फाइल के अंदर जो है वो गेट मेथड कॉल कर लें। मैं इसी के अंदर जो है वो बना देता हूँ, एवं इतनी नई फाइल्स आया करें, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन गेट। इसमें हमें रिक्वेस्ट की तो ज़रूरत नहीं है, हमने तो सिंपली डाटा गेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो है वो डाटाबेस से कनेक्ट करना है। सो कॉन्स्टेंट क्लाइंट इक्वल्स टू अवेट db.connect, डाटाबेस से कनेक्ट करो,
और हमने सिंपल जो है वो क्यूरी करके रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट डेटा इज इक्वल टू अवेट क्लाइंट डॉट सीक्वल, क्लाइंट डॉट सीक्वल और क्या आएगा, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स के टेबल में जितना भी डेटा है वो सारा रिटर्न कर दो। यहाँ पे जो है मैं डेटा को कंसोल भी करवा लेता हूँ, देख लेते हैं क्या आ रहा, रिटर्न चेक कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर डेटा आ रहा है तो जो है वो रिटर्न करो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा वैसे नेक्स्ट एरर भी जो है वो एक कमांड है, अब उसको भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एरर शो करवाने के लिए, स्टेटस 200 अगर डेटा आ रहा है तो फिर डेटा को रिटर्न कर दो, वरना क्या करो एल्स रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पे आपने एक मैसेज बेसिकली रिटर्न करना है जो कि कहेगा नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड कॉमा स्टेटस 404। एक ही तो स्टेटस की हमें याद है वो है 404, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटा आ जाएगा अगर होगा तो। अब हमें गेट रिक्वेस्ट करनी है, गेट रिक्वेस्ट हमें डायरेक्टली जो है वो वॉल के पेज और TSX के अंदर करनी है, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए पहले हमें जो है इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा, एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे आएगा कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फैच, फैच करो, क्या फैच करना है, सिमिलर मेथड है, एब्सोल्यूट URL देंगे और मैं तो कहता हूँ कॉपी मार लेते हैं, किधर गया हैंडल पोस्ट और TSX से, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है कॉपी और बंद करो यार, पेस्ट कर दें यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। अब API पोस्ट को ही, पोस्ट के मेथड को ही जो है वो हमने कॉल करना है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास और कोई पैरामीटर नहीं आता, लेकिन एक पैरामीटर है जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यूज़ करें, वरना आपके पास जो है वो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा, वो है कैशे, नो कैशे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फोर्स कैशे पे सेट होता है, स्टैटिक एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी, तो इसलिए जो है वो डाटा को स्टैटिक साइट्स के अंदर जो है वो हमने फ्रीक्वेंटली सेम डाटा को एक्सेस करना होता है, हमें डायनामिक डाटा नहीं चाहिए होता, तो ये क्या करता है कि उसको कैशे कर लेता है, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है और बार बार ये सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजता। वो जो डाटा इसके पास कैशे के अंदर पड़ा हुआ होता है ये उसी से डाटा उठा के आपको डिस्प्ले करवा देता है, लेकिन हमारे पास ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम चाहते हैं कि कैशे जो है वो अपना काम ना करे, हमारे पास कैशे से डाटा ना आए बल्कि डायनामिकली डाटा आए। सो इसके लिए हम जो है वो कैशे नो कैशे यूज़ करते हैं, या कैशे नो स्टोर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है। और अगर जो है इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स में जो है वो ओके है तो जो है वो हमारे पास ऑफकोर्स डेटा डिस्प्ले होगा, वरना डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। ये वाला काम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करो अगर रिस्पॉन्स ओके है, वरना क्या करो, वरना ये डिस्प्ले कर दो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट इफ रिटर्न, अच्छा एक ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे कम पड़ गई है रिटर्न की, ये बंद कर दी और ये पूरी हो गई, ठीक है। वरना यहाँ पे अवर वॉल पे लिख के लगा दो भाई, डिव नो डेट नो टेस्ट कस्टमर डेटा टू शो, ठीक हो गया। अब लेट से क्या हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स में ओके नहीं आता, कुछ और आ जाता है या एरर वगैरह जो भी आता है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास डेटा आ गया, हमें जो है वो चेक करना है कि डेटा के अंदर पहले आ क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा, गेट रिक्वेस्ट करके देखते हैं, सर्वर स्टार्ट करते हैं, npm रन dev, यहाँ पे जाएंगे अपने वॉल के ऊपर, इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं कि API गेट रिक्वेस्ट कॉल हो रही है या नहीं हो रही, यहाँ पे हमें जो है वो पता चल जाएगा और डेटा जो है वो हमारे पास टर्मिनल के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो कंसोल लॉग के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक्सटेंशन बेसिकली कंसोल लेंचा की एक्सटेंशन है, जिससे हमारे पास डेटा जो है वो VS Code के अंदर ही जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। सो ये बेसिकली हमारे पास
डेटा रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा है, आईडी नेम और मैसेज जो है वो हमारे पास आ रहा है, कहाँ पे है, डेटा डॉट डेटा रोज और आईडी नेम मैसेज, ठीक हो गया। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो है अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव डॉट डिस्प्ले डेटा की, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं यहाँ पे डेटा डॉट रोज डॉट रोज डॉट मैप यूजर टाइप एनी, और यहाँ पे आई थिंक ये वाला ब्रैकेट हम यूज नहीं करते, हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे डिव, इसको जो है हम की दे देंगे, की इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट आई डी जो कि हमेशा यूनिक रहेगी। और यहाँ पर हम जो है वो स्पैन यूज़ करेंगे, स्पैन के अंदर क्या आएगा यूज़र डॉट नेम, एक और चीज़ स्पैन यूज़र डॉट मैसेज डॉट मैसेज, सेव करते हैं। यहाँ पे जैसे ही वापस आएंगे तो हमारे पास जो है वो डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। लेट्स सी, ओके सो जैसे ही पेज रिफ्रेश हुआ तो हमारे पास जो है वो नेम भी आ गया, मैसेज भी आ गया। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं, कोड में वापस आएंगे, इस कंसोल लॉग की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। हमें जो है वो मैसेज को पहले दिखाना है, स्पैन डॉट यूज़र डॉट मैसेज, और यूज़र डॉट नेम को हमने बाद में दिखाना है। यहाँ पर थोड़ी सी बैड मैथड्स कह लें उसको हम यूज़ करेंगे, ब्रेक ब्रेक, ओके सो यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है, इस डिव को हमने देंगे ग्रिड, ग्रिड कॉलम्स टू, स्मॉल स्क्रीन पे ग्रिड कॉलम्स थ्री, मीडियम स्क्रीन पे ग्रिड कॉलम्स फोर, बस इतना सही। उसके बाद जो है वो इस डिव की बारी आ जाती है, इसको थोड़ा सा देते हैं, इसको हम देंगे MX1, विड्थ होगी इसकी 90%, हाइट है इसकी फिट, राउंडेड लार्ज, सेलेक्शन में टेक्स्ट ब्लैक आएगा, ठीक है, यानी जब भी यूज़र टेक्स्ट को सिलेक्ट करे तो सिलेक्शन जो है वो ब्लैक कलर में हो, वैसे टेक्स्ट स्मॉल होगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट होगा, वाइट होगा, ओके सो MY12 और पैडिंग 4 आ जाएगी हमारे पास। और जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास कुछ ये होगा, बैकग्राउंड ग्रेडियंट टू राइट फ्रॉम ब्लू टू 800, फ्रॉम ब्लू 800 टू इंडिगो 900, ये हमारे पास सेट होगा। यूज़र नेम जो है वो हमारे पास, मैं चाहता हूँ कोट्स के अंदर आए, सो हम यूज़ करेंगे एंड कोट्स, ठीक है। आप सिंपल जो है वो सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, आपके पास नेक्स्ट जेएस जो है वो बहुत ज़्यादा एरर्स और वार्निंग्स देगी, क्योंकि उसने रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई हुई है। अगर आप नेक्स्ट कन्फिग की फाइल के अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ओके सो यहाँ पे जो है वो हम फ्लोट राइट सेट कर देंगे, इसको सेव करते हैं और अब चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। एंड दैट्स इट, यूज़र का नाम, यूज़र का मैसेज हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, और मेरे पास कुछ टेस्ट मैसेजेस जो है वो उठा लेते हैं हम बार्ड से, उसे कहते हैं कि टेस्ट नेम और टेस्ट मैसेजेस दे दे, और फिर हम जो है वो चला के देख लेते हैं यहाँ पे बार्ड। सो मैं से कहता हूँ कि गिव मी 5 रैंडम नेम्स, ठीक है, सो उसने हमें जो है वो 5 रैंडम नेम्स दे दिए, और हम कहते हैं कि गिव मी रैंडम टेस्टिमोनियल मैसेज, गिव मी 520 वर्ड्स टेस्टिमोनियल मैसेज, टेस्टिमोनियल्स, मैंने टेस्टिमोनियल्स कहा था, ये तो इसने अपनी तारीफ लिख के भेज दिया हमें, ओके सो लेट्स से पहला नाम जो है वो हम उठा लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, वेबसाइट पे आएंगे अपनी, इसको रिमूव करते हैं, अपना ये वाला नाम लिखते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, बार्ड पे आते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करेंगे, दिस वेबसाइट इज़ अ लाइफ सेवर, आई डोंट नो व्हाट वुड आई डू विदाउट इट, पोस्ट करते हैं, पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट चली गई होगी,
हमें टेंशन करने की लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम जो है वो एक मेल नाम उठाते हैं, इसको कर लेते हैं पेस्ट। ये रिफ़्रेश भी हो जाता है, लाइक आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करो तो ये रिफ़्रेश हो जाए, ये भी काम होता है, आप ये काम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लोकेशन डॉट रियल लोड का यूज़ करना पड़ेगा, मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा। दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, कह सकते हैं हम लैपटॉप इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, आई बीन यूजिंग इट फॉर वेल नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। मैंने दो और डाटाज जो है वो ऐड कर दिए, लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास वॉल के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, वॉल के ऊपर भी आ रहे हैं, हमारे पास साथ साथ डाटा आता जा रहा है, सो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी और सॉरी ये मैसेज है, मोबाइल सॉरी ये नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं सैमसंग S23, आई थिंक यही शायद लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, ओके सो और क्या है, एलेक्स ये नाम रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट करते हैं। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि ये एरिया जो है वो फुल हो जाए और एक नेक्स्ट लाइन भी जो है वो आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि डाटा लार्ज स्क्रीन पे कैसा शो होगा। सो रोवेन, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं अगेन, कॉपी क्या कहता है ये, ओके वन जम्बो इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। चलो एक तो इसने जो है वो सही मार्केट प्रोडक्ट का नाम दिया, पेस्ट कर पोस्ट कर देंगे, रिफ्रेश करते हैं, जाके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ओके सो ये सारा डेटा जो है वो बेसिकली हमारे पास डिस्प्ले हो गया, और अगर मैं इसको जो है वो दिखाऊं आपको, सो ये रिस्पॉन्सिव है, फुली रिस्पॉन्सिव। और टेस्टिमोनियल्स बेसिकली ऐसे ही होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं, सो इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम चाह रहे हैं बेसिकली कि जैसे ही हम जो है वो यहाँ पे डाटा इंसर्ट करें तो इस फॉर्म को रीलोड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बेसिकली एक ऑपरेशन आएगा, हैंडल पोस्ट की जो हमारा कंपोनेंट है, ये रहा हैंडल पोस्ट के अंदर, यहाँ पे आपके पास कंसोल डॉट लॉग डेटा आ रहा है। हमें क्या करना है कि जैसे ही रिक्वेस्ट चली जाए, सो लोकेशन डॉट रीलोड, सिंपल दैट्स इट, लोकेशन डॉट रीलोड। इससे क्या होगा कि आपके पास जो फॉर्म होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, पहले एक और नाम उठा लेते हैं यहाँ से, वायोलेट, कॉपी, रिफ्रेश हो रहा है अभी। ओके सो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे नाम, पेस्ट वायोलेट, यहाँ पे लिखते हैं मैसेज, और मैसेज कौन सा था, ये रहा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, पेस्ट एंड पोस्ट, जैसे ही पोस्ट हुआ फॉर्म रिफ्रेश हो गया, पेज रिफ्रेश हुआ, डाटा इंसर्ट हो गया आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे आके देखोगे तो डाटा इंसर्ट होगा। ठीक है, डाटा इंसर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जैसे ही डाटा इंसर्ट हो या कोई एरर आए तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन शो होना चाहिए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा प्यारा रिएक्ट हॉट टोस्ट, NPM पे अवेलेबल है, इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी है जिसके वो हम यूज़ करेंगे रिएक्ट हॉट टोस्ट को। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट हॉट टोस्ट पे जाएंगे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके इंस्टॉल किया मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हमें क्या करना है कि हमें जो है ये सारा काम कर लेना है, टोस्टर फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, बल्कि पहले हो ही जाए ताकि पैकेज ऐड हो जाएगा, फिर मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हमें सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, और जहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ gcard.tsx के अंदर, यहाँ पर मुझे टोस्टर को इम्पोर्ट कर लेना है, इम्पोर्ट टोस्टर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोस्टर फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। ओके
सो टोस्टर फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, और टोस्टर को अपने क्या करना है, इस बटन के अंदर ही जो है वो यूज़ करना है टोस्टर। ठीक हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। और आपके पास जो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ पे नहीं, आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ हैंडल पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे जो है वो आपने टोस्ट को इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट हेडलेस, और जैसे ही आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स में ओके आ जाता है, लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स ओके आता है तो रीलोड कर दो। और क्या करो, टोस्ट, टोस्ट के अंदर एक बिल्ट इन मेथड है सक्सेस के नाम से, एरर भी है सक्सेस भी है। अब सक्सेस के अंदर आपने क्या दिखाना है, ये आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है। हमने जो है वो सक्सेस के अंदर लेट्स से दिखाना है कि वी रिसीव्ड योर मैसेज। ठीक हो गया, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पर आ रहा होगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, टोस्ट मेथड। ओके, सो ये बेसिकली तरीके हैं लिखे हुए सारे, टोस्ट डॉट सक्सेस सक्सेसफुली क्रिएटेड, और टोस्ट डॉट एरर दिस इज एन एरर। आप अपना कस्टम टोस्ट भी जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो रिसीव जो मैसेज टोस्ट डॉट सक्सेस, वरना क्या करो, एल्स रीलोड तो करना ही करना है, लोकेशन डॉट रीलोड, और आपने यहाँ पे क्या करना है, टोस्ट डॉट एरर, एरर में क्या है, एरर वी आर फेसिंग सम इशू रिसीविंग योर मैसेज। ठीक हो गया, जी कार्ड रू डॉट ई एस पोस्ट सारे जो है हमने सेव कर दिए। लेट्स सी अब क्या होता है। सो यहाँ पे हम वापस आते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो सही है या नहीं है। सो लेट्स से जॉन, जॉन इज राइटिंग दिस मैसेज टू इन्फॉर्म यू डेट योर टोस्ट वर्क्स ग्रेट। ओके, सो लेट्स से जैसे हम पोस्ट करते हैं, रीलोड हो गया लेकिन टोस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ हमारे पास। टोस्ट आया, टोस्ट 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 हॉट टोस्ट, नो टोस्ट। वॉल पे चेक करें, डाटा आ गया लेकिन हमारे पास जो है वो टोस्टर ने मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया। बेसिकली ऐसा होता है कभी कभार, वो करवा देता है जब उसका दिल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इशू है। आई थिंक कोई, अरे हाँ, मैंने एक्चुअली यहाँ पर एक ऑप्शन आती है आपके पास हैंडल पोस्ट के अंदर कि आपने टोस्ट को दिखाना किधर है। सो यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे पोजीशन आती है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाऊँ, सो पोजीशन का एक एट्रीब्यूट होगा। अच्छा, सो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, पोजीशन, और पोजीशन हमने यहाँ पे बतानी है कि बॉटम सेंटर पे चाहिए, बॉटम लेफ्ट पे, टॉप सेंटर पे, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, जहाँ पे भी जो है आपने पोजीशन करना है, इसको आपने पोजीशन बता देनी है। कॉमा, सेम हेयर पोजीशन, और सेम टॉप सेंटर पे जो है हमें पोजीशन चाहिए इसकी। एक और एट्रीब्यूट जो है वो हम ट्राई कर लेते हैं, वो है इसके पास अंदर ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन मैं इसको 1500 दे देता हूँ। ठीक है, हो सकता है उस वजह से ना आ रहा हो। पोजीशन ड्यूरेशन 1500, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हेडलेस रिमूव कर दें, हो सकता है हेडलेस की वजह से जो है वो इशू आ रहा हो, किसी ना किसी वजह से तो होगा। दो तीन ट्राई मार के जो है वो हमें देखनी पड़ती हैं, तभी जाके पता चलता है कि इशू किस वजह से आ रहा है। इट्स लाइक हिट एंड ट्रायल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो ओके, सो बेसिकली इशू क्या था कि हम जो है वो लोकेशन डॉट रीलोड को मैंने पहले लिखा होता, टोस्ट डॉट सक्सेस से ऊपर लिखा होता, सो ये इशू जो है बेसिकली आ रहा था। तो टोस्ट डॉट सक्सेस जो है वो ऊपर आना है, टोस्ट डॉट एरर भी ऊपर आना है, और उसके बाद जो है वो हमने सारा काम करना है। और यहाँ पे जो है वो रिएक्ट हॉट टोस्ट आएगा, उसके आगे हेडलेस जो है वो हमारे पास नहीं आएगा।
अगर आपका उससे भी काम कर रहा है सो वेल एंड गुड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर नाम टेस्ट करते हैं, जॉन डोए, जॉन डोए हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस यूजिंग योर वेबसाइट एंड विल रिकमेंड अदर्स एज वेल, ओके सो एज सून एज वी पोस्ट देर विल बी अ मैसेज, वी रिसीव योर मैसेज, और मैसेज रिसीव होके रिमूव हो गया। और यहाँ पे मेरे पास वॉल के ऊपर जो है वो इतने सारे टेस्ट मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, आई मीन लोकल होस्ट 2000/wall, यहाँ पे जो है वो सारे टेस्ट मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये लास्ट मैसेज है जो बेसिकली मैंने सेट किया। तो ये जो है वो आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई भी इशू हो तो ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।